देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति हमने बहुत सचेत होकर काम किया है। जैसे बड़वारा, पानुमरिया और सिलौड़ी में कॉलेज वहाँ पर हैं, और उस समय हमारा पूरा क्षेत्र जो है ग्रामीण अंचल है, बहुत दूर दूर से बच्चियाँ आती हैं और बच्चे आते हैं, जिनका सेंटर बना दिया गया था कहीं तिलक कॉलेज और कहीं सिहोरा। उसको हमने तत्काल सिहोरा कैंसिल करवा के, तिलक कॉलेज को कैंसिल करा के, और अपने क्षेत्र में जहाँ कॉलेज है वहीं पर हमने सेंटर बनवाया था। ये बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा थी। इस तरीके से देखा जाए आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी स्टूडेंट भी हैं जी, उनके लिए शिक्षा और व्यापार के लिए क्या किया गया? देखिए, व्यापार तो ऐसा है कि अपने अपने स्तर से सभी कोई देख रहे हैं और जान रहे हैं कि महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी की स्थिति क्या हो गई है, कि रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों के पास डिग्रियाँ रखी हैं लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, है तो बीजेपी की जी, उस योजना में क्या आदिवासी जुड़े हैं कि नहीं? उसमें उन लोगों को तक पहुँच ही नहीं पाता है, गरीब तक पहुँच ही नहीं पाता है ये योजनाएँ। जिस तरीके से बसंत जी, 5 साल से आप सिटिंग MLA हैं जी, तो कितना NTM कन्वेंसी आपके फर्क डालेगा चुनाव में, या उसके उसको लड़ने के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी? तैयारी हमने लगातार 5 साल की है और जनता के बीच में बने रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जो है एक विधानसभा तक सीमित रहेंगे आने वाले उसमें, कि पूरे जिले के में नेता के रूप में? अब देखिए, ऊपर हाईकमान क्या निर्णय करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारी जो जनता है वो हमारे लिए सब कुछ है। मैं उनके बीच में सदैव कंधा से कंधा मिलाकर लोगों के बीच में बना रहा, और जो भी उनकी समस्याएं थी और सामने बैठ के मैं डेली चौपाल लगाता हूँ बड़वारा में, जो भी बन सकता है मैं उनके लिए सहयोग किया। कटनी जिले में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज और उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों की मांग रही है, अब आप दूसरी बार चुन के आने के बाद क्या इस मांग पर कितना आपका दबाव रहेगा, या आप कितना? हमारी कमलनाथ जी की सरकार बैठेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेडिकल कॉलेज कटनी में होगा। जिस तरीके से कमलनाथ बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बैठेगा, संदीप जायसवाल ने इसकी पहले ही घोषणा कर दी कि शिवराज सिंह चौहान उनकी मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा। देखिए, घोषणाएं तो कई बार हो चुकी हैं कटनी के लिए भी, चाहे वो हमारे पानुमरिया हो, और कई जगह ITI की भी घोषणाएं हो गई, लेकिन कागज में है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। तो कागजों को आप पूरा करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो मतलब बीजेपी का आप समर्थन करेंगे? नहीं, हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। कागजों में तो बीजेपी ने ही नहीं बताया ना। नहीं, हम ओरिजिनल लाके खड़ा करेंगे कमलनाथ जी से लाके। आपकी क्या प्राथमिकताएं द्वितीय कार्यकाल में रहेंगे? जी देखिए, मेरे महानदी में कई पुलों की आवश्यकता है, वो पहली उपलब्धि रहेगी। उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल बड़वारा में और पानुमरिया होना चाहिए, और इसके अलावा ढीमड़खेड़े में ITI होना चाहिए, और डॉक्टरों की कमी है, वो डॉक्टरों की कमी को पूर्ति करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।